तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, जो कि नॉर्थ वैंकूवर में है। तो आज हमने सुबह ही ट्रेन ले ली थी सस्पेंशन ब्रिज के लिए। तो ये हमने फ्री शटल ली थी, जो कि टिकट के साथ ही इंक्लूडेड थी सस्पेंशन ब्रिज की। तो ये आप देख सकते हैं, वैंकूवर डाउनटाउन से ही जाती है ये बस। अब हम ये ब्रिज क्रॉस करके नॉर्थ वैंकूवर की तरफ जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल टिकट्स हैं वो है $70 पर पर्सन फॉर एडल्ट्स। तो वैसे तो काफ़ी महंगी है टिकट, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये हम पहुंच चुके हैं कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। तो ये काफ़ी हाइट है, लगभग 230 फीट अबव कैपिलानो रिवर। तो ये जो ब्रिज है ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब कि मुझे तो यही डर था कि यहाँ से नीचे कहीं मोबाइल लेने के जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा था ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक और ब्रिज, जो कि पेड़ों के ऊपर ऊपर से बनाया हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था।
ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक करवाई। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देख के, हालांकि अगर रात होती तो ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता देख के, बट फिर भी अभी हमारा मतलब दिन का ही टाइम था टिकट्स पे, तो हमने दिन का ही एक्सप्लोर कर लिया इस बार सस्पेंशन ब्रिज। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट में भी एक्सप्लोर करूँगा इसे और फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे एक और। तो सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस चल पड़े दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने। वहाँ पे जो है क्लिफ वॉक एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है, तो ये आप देख सकते हैं रेनबो काफ़ी अच्छा निकला था क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था काफ़ी। तो यहाँ से हम वापस चल पड़े अपनी बस की तरफ। तो यहाँ पर हमें लगभग 2 घंटे हो चुके थे घूमते हुए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा काफ़ी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड प्लीज़ फॉलो मी योर इंस्टाग्राम। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।